राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरी बहनों, आप मेरो चैनल देखो हो, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कमेंट आज मेरी बहना बहुत कम कमेंट करया है, मन बहुत ज्यादा कमेंट आवे, बहुत खुशी हुए। मैं सबका कमेंट पढ़ू हूँ और अब आपने मैं आज थाका कमेंट का जवाब देसु। जिसु पहली एक आपने भाग्य की कहानी सुना दू। अगर आपने पसंद आवे तो लाइक कर जो, कमेंट कर जो, और जकी मेरी बहना और मेरा भाई सब्सक्राइब नहीं करया है, नया है जगह सब्सक्राइब जरूर कर जो। एक राजा हो बिगे सात लड़के ही, एक आ एक लोक कथा है। सात लड़के ही ना, एक दिन राजा के काई मन में आई के सातों लड़कियां ना आप बुला बुला पूछा भाई थे कुण को भाग्य खाओ हो। जना एक ने बुलाई, भाई तू कुण को भाग्य खाए है? के बाबा जी मैं तो था कोई भाग्य खाऊं। दूसरी ने बुलाई, क्यों मैं तो था कोई भाग्य खाऊं। तीसरी ने पूछो, बाबा जी था कोई भाग्य खाऊं। चौथी ने पूछो, था कोई भाग्य खाऊं। पांचवी ने पूछो, कुण को भाग्य खाए मैं था कोई भाग्य खाऊं। छठवी ने पूछो, मैं तो बाबा जी था कोई भाग्य खाऊं। सातवीं ने बुलार पूछो के भाई तू कुण को भाग्य खाए है? जना क्यों मैं तो मेरो ही भाग्य खाऊं हूं। अब इन राजा ने बहुत बुरी झाड़ आई के अच्छा लालन पालन करूं, अतो बढ़िया पालन पोषण करूं हूं, जो इच्छा करे बा पूरी करूं हूं, फिर खैरिये मैं तो मेरो ही भाग्य खाऊं हूं। ठीक है समा आबा दे। हाँ, पहली को ब्याह, दूसरी को ब्याह, बहुत राज घराना में छह बेटियां को ब्याह, बहुत बढ़िया बढ़िया घरा में ब्याह करो, पर राजा वाह बात याद रखी भी की। अभी को ब्याह को समय आयो, जना क्यों भाई की सगाई करा, माँ क्यों की सगाई करो बढ़िया घराना में। जना क्यों ना ना आ तो आपको ही भाग्य खासी, माँ को तो जी बड़े क्यों नहीं कोई बढ़िया घर देखो क्यों ना। राज हट, बाल हट और त्रिया हट, ए तीन हट हुए न जगह बहुत बुरा हुए। ऐ आपको हट कौन छोड़े, राजा आपको हट कौन छोड़े, और बालक है जो को जो चीज मांग ले वो दिया सरे। राज हट, बाल हट और तिरिया हट, तिरिया स्त्री हट कर ले जो को वो मां नर छोड़े, तो वो राजा आपको हट ही राख्यो। क्या इन्हें तो इको भाग्य ही खबा दो, मैं देखू। जना क्यों जाओ सिपाही ने क्यों, जो रास्ता में कोई भी मिले थाने, लूलो लंगड़ो बेरो पांगो अंधो बूढ़ो जवान कोई भी मिले ने, सबसे पहली मिले ने जका ने कोई भी पेड़ के फेरा देर छोड़ा हो, क्यों भी दियो को नहीं। जना दो सिपाही लेर गया, माँ को बहुत जीव बड़े बहुत रोई, फेर क्यों ईश्वर तू जाने माँ का ही कर सके। जना कोई आंधी आईडी ही जो वो मोर है, मोर पेड़ पर बैठे हो जो वो नीचे पड़ गो, वो घायल हो गो, घायल हो गो। जना भी मोर ही मिलियो सबसे पहली निकलता ही। जना क्यों भाई तेरो तो कर्म में वही लिखियो है, क्यों ठीक है मेरा कर्म में जो लिखियो है वो ही ठीक है। अभी मोर ने गोदी में ले, अध मरियो सो हो रो मरबाड़ो सो वो गोदी में ले, अरे बिन ने फेरा दिरार बिन छोड़ा बैठे पेड़ के नीचे, बाप की गोदी में सुहाण लियो भी मोर ने और लिया बैठी। अब ठीन से शंकर भगवान पार्वती जी आ रहा के महाराज ओ काई है, ई मोर ने गोदी में लिया बैठी है, मरेडो सो है, नया नया कपड़ा भी पहरिया है, ब्याह वली सी लागे है। जना क्यों वो राजा है जो को ई मोर के सागे ब्याह करियो है, क्यों महाराज ई मोर के सागे ब्याह करियो, वो तो अब मरू कर रही है। अरे मोर के ई कन्या को जीवन किया बीत सी के सागे। जना क्यों इन तो वरदान दियो महाराज, जना शंकर भगवान भी ने वरदान दियो के इन मोर दज राजा बना दी। जना वा कन्या क्यों नहीं नहीं आदमी तो मत बनाओ, मैं कलंकी तो जाऊं के मोर ने ब्याही रहा तो आदमी के सागे गई, क्यों नहीं तू चिंता मत कर बेटी, एक मैं किलंगी छोड़ सू मोर के वह ठीक हरी किलंगी वह किलंगी छोड़ सू विषय के निशानी रेसी के वो मोर ही है। हाँ बैठे तो मोर दज राजा की नगरी बस गई, बहुत बड़ो शहर बस गो,
राजा का कारबार चल रहा है, दास दासियां लाग रही है और महल बन गया। अब वो राजा है जो धीरे 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 डाउन हो तो भी कोई भाग्य वो कायो, कोई कन्या को भाग भी वह है, कन्या का भाग सो माता पिता सुख पावे और कन्या चली जाए जनाबे डाउन होता जाए। कई कन्या जन्म ताई पिछड़ा हो जाए, कई कन्या को भाग्य यहाँ को वह है जो को बाद जन्म में पचवा के गठो भी हो जाए, यहाँ भी वह तो बा कन्या ही जो भी का भाग कोई राजा खाए और धीरे धीरे डाउन हो तो सो क्यों राजा को खत्म हो। अब राजा क्यों अब काई करा, केसर तो घनी पड़ी है पड़ी इन कोई खरीद वालों को नहीं, भेजा कोई लोगा ने के देखो बेरो पाड़ो भाई कटे केसर को कारबार हुए तो मैं केसर बेच रही मारो जीवन यापन करा। जना क्यों महाराज एक मोर दज नगरी बसी है ठे जको भी मैं बेरो पाड़ो। जना मोर दज नगरी में राजा खुद ले और मेल गाड़ा में केसर लेर गयो भाई, कोई केसर खरीदो है। अब वो मोर दज राजा है जको पहचान गो भाई वो तो कोई राजा ही है। जना आपका महल में बुलायो क्यों आओ, आप पहली भोजन पानी करो पछ आपा बातचीत कर सिया। अब बारानी है जकी पिताजी ने देख लिया, देख रे पहचान गई दासियां के सागे भोजन कौन भेजो, रानी खुद भोजन ले रही क्यों लियो पिताजी मैं तो मेरो ही भाग्य खाऊं हूँ। अरे पिताजी तो हाथ जोड़ लिया, हे देवी तू तेरो ही भाग्य खाए है, मैं भी तू आया पछ है कि जको गाठा में ही आएगो जको आ कोई मत घमंड करो कि मैं इन पाल्यो इन पोष्यो इन मैं खुआऊं हूँ, कोई कोई न कोई नहीं खुआवे है, सब ईश्वर की कृपा है, सब आप आपको भाग्य खावे है। और अब मैं आपने कमेंट का जवाब दे। एक बहन पूछ रही है कुंवारी लड़की भी उद्यापन में शामिल हो गए कि एक तो चौथ को उद्यापन करो हो क्या को उद्यापन करो हो, कुंवारी लड़की तो चाना छठ में ही शामिल हुए क्योंकि वह कुंवारी लड़कियां व्रत करे, जहाँ कुंवारी भी मैं उद्यापन में शामिल हुए, चौथ का व्रत में कुंवारी लड़की शामिल को नहीं हुए, ब्याह करेडी हुए। एक पल पतवारी का उद्यापन बताओ, आ मेरे बहन समझ में को नहीं आई, पतवारी को उद्यापन में तो पतवारी माता ने अगर आप माघ मास नहारे हो तो पतवारी माता ने जिमाओ और भी के बाद में जोड़ा जिमाओ, आप दो जिमा सको चार जिमा सको कताई जिमाओ। माघ मास में जब तो दान पुण्य कर सो ने जको थाने 1000 गुना पुण्य मिलसी, माघ मास में तिल को दान बहुत अच्छो दान वह है, जब तो दान पुण्य करो वही बहुत बढ़िया है। एक मेरी बहन बोल रही है सीता कि मैं आपके चैनल से बहुत कुछ सीखूं, मेरी बहन मन क्यों ही नहीं आवे है, मन तो जो सुरस्ती माता मेरे से बुलवावे है, बा मैं बोलूं हूं आप सीखो हो बहुत बहुत अच्छी बात है, मन बहुत खुशी हुए है कि मैं अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करूं। मेरी बहन सुबह जल्दी उठो, सबसे पहले आपका घर की सफाई करो और सूरज भगवान निकल बासों पहले आप स्नान करो, स्नान कर अगर आपके माता पिता है या सास ससुर है तो बन प्रणाम करो, माँ को आशीर्वाद लियो, बस ठाकुर जी की पूजा करो, फिर ईश्वर की याद में आपकी पूरे दिन की दिनचर्या चालू रखो, हर वक्त सतत स्मरण ईश्वर का ध्यान में, आप भोजन भी ईश्वर की याद में बना सो तो भी मैं स्वाद 4 गुना उसी, और भोजन ने प्रसाद बोलर बना सो तो ठाकुर जी को प्रसाद लाग और सबने प्रेम से जिमाओ, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है प्रेम में है। एक बहन कह रही है नेहा शर्मा कि मैं 1 किलो गुड़ तो दे दियो और क्या दूं, मेरी बेटा गुड़ दे दियो तो बहुत चीजा है, चावल दे दे दाल दे दे चीनी दे दे तेल दे दे घी दे दे आपने खाबा की बहुत चीजा है, जिकी फ्रूट दे दे सगड़ा जत्ता फ्रूट वे सगड़ा, 100 शेरी में दिया बोला तो 100 होता ही दीक्षी, जरूरी को नहीं कि आप 1 महीना में पूरा करा 2 महीना में पूरा करा 6 महीना में पूरा कर सके है और साल भर में भी पूरा कर सके है, लेकिन डायरी में लिखती जाओ जो जो चीज आप दो लिखती जाओ, इम कपड़ा भी दे सके है इम जूती चप्पल भी दे सके तोलर 1 किलो कुछ भी दे सके।
कुंवारी ननद से एक बहन बोल रही है शोभा देवी के कुंवारी ननद से मांग भरवाए हूँ, नेक दे सकती हूँ क्या? कुंवारी तो ननद तो देवी को साक्षात देवी को रूप है, कुंवारी कन्या को थान बहुत आशीर्वाद मिलसी, सौभाग्यवती होसी, बिन मांग भरवार जो श्यापा कपड़ा पहरे बस्या कपड़ा दियो आप। मेरी एक बहन कह रही है मेरी उम्र 35 साल की, मैं सूर्य भगवान का अर्घ तो आप 7 साल की हो कन्या जद से ही देबो चालू करो, चाहे सूर्य भगवान का अर्घ देबा में आपने बताऊं के एक कलसी में आप एक चुटकी भर और रोली जकी आप टीको लगावा हाँ वह डाल सूरज भगवान का अर्घ दो, आपके बहुत घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होसी। आपने सूरज भगवान ही सबको रक्षा कर बाड़ो है। माघ मास में खाना रात को खाएं या दोपहर को? आप दोपहर में खा लियो अब्बा, तो कार्तिक तो है को नहीं तारा भोजन में खावे रात में, तो आप दिन में कद भी खा सको हो। सूर्य भगवान अस्तुवासु पहली। और एक बहन एक तकलीफ की सी बात है, मेरी बहन आतोमन बहुत एक तकलीफ हो रही है, बाकी सब आप आपका कर्म की बात है, कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत सी बेटियां के पापा को नहीं, बहुत सी बहना के भाई को नहीं, बा कोई बात को नहीं के मेरे पापा भी नहीं है भाई भी नहीं है, बात का ऑप्शन बताओ। तो आपका पापा का परिवार में कोई भी हुए काका का ताऊ का बेटा, तो बस आपकी माकनों वह अगर चूनड़ी लावे तो ठीक है, नहीं तो आपकी माँ चूनड़ी एक चूनड़ी को ही वह है मेन बात, चूनड़ी लिया वे और बनड़ो या बनड़ी ने बनावे दूल्हो बने जहाँ पट्टा पर उतारे ए दो नेग वह है मामा का, तो आप काका बाबा या तो आपका पिताजी का परिवार का ने बुला लियो कोई ने भी काका बाबा का बेटा ने, या आपका पिताजी का परिवार आपसे भाई दीवे कोई राजी नहीं है या दूर रहे है तो कोई बात को नहीं, आपकी माँ का परिवार का ने बुला लियो, माँ का कोई काका बाबा का बेटा हुए माँ का कोई भाई हुए तो वे चूनड़ी लिया हुए। और अगर आपके कोई भी आबाड़ो नहीं है तो आप मन मैसेज करो तो मैं मेरा बेटा ने लेर मैं आ जैसू आप।